आज की क्लास में सभी विद्यार्थी पास्ट इनडेफिनिट टेंस, हमारा एक ट्रांसलेशन का क्रम चल रहा है। इस ट्रांसलेशन के क्रम में हम सभी पास्ट इनडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। तो अब चूंकि पास्ट टेंस आ गया, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वह कार्य जो हमारा क्या है, पहले पूरा हो चुका है या समाप्त हो चुका है, वो काल हमारा क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है। तो अब पास्ट इनडेफिनिट का मतलब क्या हो गया, ऐसा कार्य जो पास्ट में हुआ हो लेकिन उसमें रेगुलर इंटरवल पर कोई कार्य संपन्न होता रहा हो, वो टेंस हमारा क्या कहलाता है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस कहलाता है। हम सबसे पहले अगर हम पहचान पर जाते हैं तो हम पाते हैं इसमें, अगर हिंदी पहचान हम देखते हैं, तथा तिथि ते थे, या तो ये शब्द आता है या तो लास्ट जो हमारा वर्ड मतलब क्रिया होता है उसमें अ ई या ए आते। ये आपकी पहचान हो गई कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस है जिसमें जिस क्रिया के अंत में त था ती थी ते थे या अ ई ए आदि आएंगे, वो आपका क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अगर हम इंग्लिश पहचान पर जाते हैं तो हम यही पाते हैं कि हम कहते हैं द टेंस विच शोज पास्ट हैबिचुअल एक्शन इज कॉल्ड पास्ट इनडेफिनिट टेंस, उसे हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसके बाद क्या आता है, हम हेल्पिंग वर्ब पर जाते हैं। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं तो हम पाते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड है। अब थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, देखिए प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब डू है और डू का सेकेंड फॉर्म क्या है, डिड। इसका सेकेंड फॉर्म क्या है, डिड, इसलिए डू का सेकेंड फॉर्म डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू या डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, वैसे ही डिड का प्रयोग नहीं निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं, वैसे ही डिड का प्रयोग भी निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि डिड का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा, क्योंकि डिड वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाती है। इसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब में क्या है इसको समझ लीजिए, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाती, लेकिन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, केवल किस सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग की जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इतना ध्यान रखिए। और ये इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में रहेगा तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है। ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अगर हम जाते हैं यहां पर देखते हैं डिड, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी, ध्यान रखिएगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग की जाती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस करने क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जिस वाक्य के अंत में या जिस क्रिया के अंत में त था ती थी ते थे या आ ई ए आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, डिड निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रयोग की जाती है। मेन वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग की जाती है, और विदाउट हेल्पिंग वर्ब मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग की जाती है। ध्यान दीजिए यहां पर कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कोई कार्य पूरा हो चुका रहता है लेकिन तत्काल में पूरा होता है, और पास्ट इनडेफिनिट में कोई कार्य कुछ समय पहले पूरा हो चुका होता है, वो पास्ट इनडेफिनिट टेंस कहलाता है। अगर किसी भी सेंटेंस में पास्ट एडवर्ब लगा है तो पास्ट इनडेफिनिट होगा, अगर किसी सेंटेंस में ऐसा है कि ये शो कर रहा है कोई कार्य अभी तत्काल शुरू हुआ है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, मतलब हैज हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्लियर हो गया। अब यहां पर हम फॉर्मेट पर अगर जाते हैं
तो सबसे पहला अफर्मेटिव का फॉर्मेट, अफर्मेटिव में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा पहला हो गया। इसके बाद हम निगेटिव में देखते हैं, निगेटिव में हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ डिड, ध्यान दीजिए डिड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ लगेगी। इसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फुल स्टॉप, निगेटिव सेंटेंस। अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव हमारा कुछ इस रूप में बनेगा, डिड हम सबसे पहले लाते हैं, डिड के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यहां पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लगेगा, इंट्रोगेशन मार्क। यही कंडीशन अगर डब्ल्यू एच वर्ड में होगा जिसके पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करते हैं या करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने लिया यहां पर एग्जाम्पल, जैसे लिखा गया बच्चों ने क्रिकेट खेला, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखा गया क्रिकेट खेला, हमने तथा तिथि नहीं लगाया बल्कि क्या लगा दिया, आ लगा दिया, आपका कौन सा टेंस बन गया, पास्ट एंड डेफिनेट। अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन प्ले, अब प्ले के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई क्या, प्लेड क्रिकेट, चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, क्लियर हुआ। तो अब आपको इस रूप में, अब इसी का निगेटिव है, बच्चों ने क्रिकेट नहीं खेला तो क्या होगा, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्रिकेट, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्लियर हुआ। और इसी का इंट्रोगेटिव बनाना हुआ, एक सेकंड, डू नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डिड, चूंकि पास्ट है, और अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा, डिड चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, क्लियर हो गया। ये आपका क्या बन गया, इंट्रो निगेटिव, और ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। तो अगली वीडियो के माध्यम से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज को सीखेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।